हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको आलू और गवार का भाजी बनाना बताऊंगी। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। आलू गवार के भाजी के लिए मैंने गवार लिया है और आलू लिया है। आलू को हम छील के टुकड़े कर लेंगे और गवार को भी छोटे छोटे काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने गवार और आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। ये मैंने दो टमाटर लिए हैं जिसको मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। बघार के लिए मैंने ये कांदा छोटा काट के रखा है, थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है और तीन कलियाँ लहसुन की है जिसको मैंने ग्रेट कर ली है। और मसाला के लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे हम। मैंने कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं कांदा फ्राई करूँगी। कांदा हम अच्छा फ्राई करेंगे इसमें। कांदा देखिए लाल होने आया है थोड़ा। अभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए लहसुन फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ हम जो हमारा मसाला है, हल्दी मिर्ची नमक ये सब डाल देंगे और धनिया पाउडर। टमाटर के साथ साथ में हल्दी सब डाल दें। अभी मसाला अच्छा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला पक गया है, तेल छूटने लगा है। अब इसमें हम गवार और आलू जो काट के रखे हैं वो डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छा मिक्स कर देंगे। थोड़ा देर मसाले में फ्राई करेंगे और इसके बाद में हल्का सा पानी डाल के इसको हम बंद करके पकाएंगे स्लो फ्लेम में। तो देखिए मैंने आलू गवार अच्छा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी आधा कप। क्योंकि बिना पानी के पकेगा नहीं जल्दी और हमारी भाजी जल जाएगी और सॉफ्ट नहीं होगी। ये पानी डाल के इसको ढक के हम पका लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा भाजी पक गया है। मैं सिर्फ आधा कप पानी ऐड किया था इसमें। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखिए हमारे आलू गवार के भाजी बनके तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी भाजी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ में आप खा सकते हैं। आलू गवार की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।